हमेशा स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये स्पेशली उन राइडर्स के लिए जिनको दूसरे राइडर्स के व्यू या एक्सपीरियंस या थॉट्स सुनने का अगर अच्छा लगता हो, या आप कोई नए राइडर हो और न्यूली ज्वाइन हुए हो राइडिंग एक्टिविटीज़ में, तो उनके लिए मैं ये स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ लॉकडाउन के टाइम पर। तो हम लोग राइड पे जाते हैं तो हम लोग काफ़ी प्रिपरेशन करते हैं एज यू नो कि राइड जाने से पहले बाइक को रेडी करते हैं, लगेज रेडी करते हैं, मतलब ओवरऑल सब कुछ परफेक्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया और उसको अलग अलग बायफरकेट किया है कि आपको राइड पे जाने से पहले आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, डूज और नॉट टू डू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सबसे पहले नो योर बाइक, ठीक है। मैं ऐसा राइडर हूँ जो कहीं भी जाता हूँ तो मुझे अपनी बाइक पर्सनली कैरी करना पसंद है, तो ज़्यादातर मैं खुद की बाइक लेके चलता हूँ क्योंकि मुझे रेंटल बाइक्स पे भरोसा नहीं है और ना ही मुझे पसंद है किसी और की गाड़ी चलाना। तो अब जब भी कभी भी आप अपनी बाइक की सर्विस करवाते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप देख लो कि छोटे मोटे जो चेंजेस करते हैं वो किस तरह से करते हैं, जैसे कि चेन टाइट हुआ, ठीक है, ब्रेक टाइट करना हुआ, कहीं पे कोई बोल्ट लूजन अप है उसको कैसे टाइट करना है, जैसे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोगों के एग्जैक्टली समझ में नहीं आती है। जब हम लोग वो चीज़ कर चुके होते हैं ना तो हम लोग के लिए वो चीज़ बहुत ही आसान होती है। तो ये चीज़ें आप जब सर्विसिंग करवाएं तो देख लें एक बार, छोटी मोटी चीज़ें, फ्यूज़ कहाँ पे, इसका खास ध्यान रखें। जो भी रॉयल एनफील्ड राइडर्स हैं, जो भी फॉग लैम्प्स और बार एंड लैम्प्स और ये सब एक्स्ट्रा ऑक्सिलरीज लगा के रखते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि फ्यूज़ कहाँ पे होते हैं वो आप ध्यान रखें। मैं बता देता हूँ फ्यूज़ कहाँ पे होते हैं, एक तो हेडलाइट के अंदर होते हैं और दूसरे कवर के अंदर होते हैं, ठीक है। ये दोनों फ्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइड के टाइम पर कभी कभी ओवर वोल्टेज की वजह से फ्यूज़ हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उस टाइम पर आपको ये जानना ज़रूरी रहता है कि बाइक क्यों बंद हुई है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो सेकंड चीज़ पे आते हैं हम लोग कि जितने भी नेसेसरी टूल्स हैं और जो पार्ट्स हैं वो आप अवेलेबल रखें अपने पास। ज़्यादातर जैसे कि माउंटेन एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे कम मिलते हैं, तो एक पंचर किट, ठीक है, फिर चेन लॉक, एक्सलेटर केबल है, क्लच केबल है, देन अगर पॉसिबल है तो एक हेडलाइट बल्ब या कोई भी ऑक्सिलरी एक क्लैम्प जो आपको, अगर अब इफ़ इन केस आपकी गाड़ी की हेडलाइट में या कहीं पे कुछ इश्यू आता है तो वो आपको हेल्प कर पाएगा। इसके अलावा ल्यूब, चेन ल्यूब जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। अब जो इम्पल्स वाले हैं, जैसे मेरे पास इम्पल्स है, मुझे पता है कि ब्रेक लाइनर के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो आप ओरिजिनल ब्रेक लाइनर एक पैर आपके साथ हमेशा रखिए क्योंकि स्प्लेंडर के मैच हो जाते हैं, सीवीसी के भी मैच हो जाते हैं पर काम नहीं करेंगे जैसे इम्पल्स के स्पेशल करेंगे, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको, जो भी इम्पल्स राइड करते हैं उन लोगों को मैं ख़ास बता दूं कि आपके एक्सलेटर केबल, क्लच केबल जनरली नहीं मिलेंगे कहीं पे भी, तो आप एडवांस में ये सब प्रिपरेशन करके चलिए। तीसरी बात है कि लोकल को इंटरेक्ट करें, लोकल से बातचीत करें। आप जो भी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं या आपका जो भी नेक्स्ट स्टॉपेज है वहाँ के लिए आप लोकल से बात करिए और फिर ही आगे बढ़िए, तभी आपको आइडिया आएगा। क्योंकि एक मिस्टेक हम लोगों से ये हो गई थी कि हम लोग जब लद्दाख से रिटर्न आ रहे थे तब हम लोगों ने पास था मनाली के साइड पे, एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं है, मैं भूल गया, झुनझुन बार करके या ऐसा कुछ पास है, वो रात को 9:30 बजे हम लोगों ने क्रॉस किया। हम लोगों की एक मिस्टेक की वजह से हम लोगों ने पूछा नहीं कि वो कितना आगे है, ठीक है। तो गूगल मैप आपको किलोमीटर्स बताएगा, गूगल मैप आपको टाइम बताएगा, गूगल मैप आपको रास्ता कैसा है ये नहीं बताएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। गूगल मैप के ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, तो अगर आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो आपको वो जानकारी भी बहुत शॉर्ट टाइम पर मिलेगी, क्योंकि मैं जब से एंड्रॉयड 2.0, 3.0, 4.0 आया है तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ। जब मोबाइल के अंदर 512 MB की रैम रहती थी तब से मैं गूगल मैप को यूज़ करता आ रहा हूँ, ठीक है। तो
तीसरा ये हो गया कि आगे के डेस्टिनेशन के बारे में लोकल से इंटरेक्ट करें, जहाँ भी आप लास्ट स्टॉप लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप अंधेरे से डरते हो, अगर आप एडवेंचर से डरते हो, अगर आप सेफ साइड देखना चाहते हो, तो प्लीज़ नाइट में राइड मत करिए। अगर आप ठंडी, बारिश या कोई भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन झेल सके जहाँ पे आपको कोई भी नहीं मिलेगा और आप अकेले सर्वाइव कर पाओगे, आप में इतना गट्स हो, तभी आप नाइट में राइड करिए। मैं रिसेंटली बात करता हूँ, जैसे मैंने लद्दाख की बात की, ऐसे ही राजस्थान की बात करता हूँ। हम लोग करणी माता टेम्पल जो देशनोक में है, नियर बाय देशनोक में, वो राजस्थान में एक जगह है देशनोक, वहाँ से हम लोगों को जाना था तनोट माता टेम्पल। हम लोगों का रूट प्लान इस तरह से था कि हम लोग देशनोक से बीकानेर, सॉरी नियर बाय बीकानेर, और देशनोक से हम लोगों को जाना था तनोट माता टेम्पल, और वहाँ का हमारा नाइट स्टे था। प्रॉब्लम क्या हुई, हम लोगों ने गूगल मैप के थ्रू मेन हाईवे छोड़ के लोकल हाईवे लिया, क्योंकि वो शॉर्ट था। मेन हाईवे बहुत ही लंबा था, इसके लिए हमने लिया, बाकी हम नहीं लेते। और वो हाईवे ऐसा था कि मतलब कब रोड है कब डेजर्ट है वो समझ में नहीं आ रहा था। और अप्रोक्स रात के 9, 9:30, 10 बज गए, 11 बज गए, हम लोग मेन हाईवे पे पहुंच ही नहीं रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप, हम तीन बाइक थे और तीनों बाइक बस अकेली थी वो पूरे रोड पे। ना हमको कोई विलेज मिला है, ना कोई पंचर वाला मिला है, ना कोई ढाबा मिला है, ना कुछ मिला है, क्योंकि वो लोकल स्टेट हाईवे रहता है इंटरनल विलेज का। तो दो ही विलेज थे, वो भी पूरे क्लोज थे, ऐसा कोई बाहर ज़्यादा घूमता नहीं, आई डोंट नो भाई। तो उस टाइम पे थोड़ा ये सब ध्यान रखिए कि आप जहाँ भी जा रहे हो नाइट में अगर पॉसिबल है तो राइड ना करें, अगर आप एडवेंचर के शौकीन नहीं हो। अगर आप एडवेंचर करना चाहते हो, देखिए एक्सपीरियंस भी ये बहुत बढ़िया रहता है, तो लाइफ टाइम मेमोरीज है ये सब। तो अगर आप डरते हो, अगर आपको यू नो कंफर्टेबल नहीं है, तो नाइट में राइड मत करिए, ठीक है। रिफ्यूलिंग के बारे में बता दूं, आगे पेट्रोल पंप आएगा ये सोच के कभी भी अपनी बाइक रिजर्व में मत खींचिए, या तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आगे से भरवा लूँगा, क्योंकि जब आपको मौका मिलता है, आपको अपनी बाइक का, अगर आप खुद की बाइक चलाते हो तो माइलेज का एक रफली आइडिया रहता है कि इतना पेट्रोल रहा होगा, आपकी हाफ टैंक होती है, आप तुरंत ही उसको रिफ्यूलिंग करवा दीजिए। क्योंकि जब मैं चंडीगढ़ से आ रहा था, मैं राजस्थान में मेरी खुद की बात करूं, तो एक इशू ये हो गया था कि रात को 4 बजे मैंने राजस्थान एंटर किया है और मुझे, मेरी गाड़ी ऑलरेडी रिजर्व में थी और कोई पेट्रोल पंप वाला मुझे फ्यूल भर के नहीं दे रहा था। तो आई वेस्टेड माई 2 आवर्स ओवर देयर कि पेट्रोल पंप खुलेगा और मैंने फ्यूल भरवाया, उसके बाद में निकला। तो आपका टाइम भी ख़राब होगा और आपको अनकम्फर्टेबिलिटी रहती है, आपका शेड्यूल ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो रिफ्यूलिंग जहाँ पे पॉसिबल हो, भले 3 लीटर 4 लीटर आता है, वो फ्यूलिंग करवा लीजिए, क्योंकि पैसा उतना ही लगने वाला है, ठीक है। फिर लगेज आपका बार बार चेक करें, क्योंकि कुछ कुछ रास्ते ऐसे होते हैं, उबड़ खाबड़ खड्डे वाले रास्ते बोलो या फ्लैट रोड, आपके बैग्स रहते हैं, जैसे वो शोल्डर बैग्स रहते हैं, उनके स्ट्रैप्स होते हैं, वो व्हील के अंदर आने की संभावना रहती है या चेन में आने की संभावना रहती है। तो अगर आप लद्दाख के रियर यूज़ कर रहे हो तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें। और अगर आप सैडल बैग्स भी यूज़ कर रहे हो, आपका सैडल स्टे को बार बार चेक करिए कि ओके है अपनी जगह पे कि नहीं है, ठीक है। और लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर के ऊपर एक स्टॉप लीजिए छोटा सा, पूरा टी ब्रेक, चाहे चाय नहीं पीजिए, स्मोक नहीं करिए, कोई बात नहीं, रुकिए, गाड़ी को 5 मिनट रेस्ट दीजिए, पानी पिए, और जिस जगह पे आप रुके हो उस जगह का थोड़ा आइडिया लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी बाइक को भी रेस्ट मिलेगा, आपको भी एक 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा मेंटली, और आप आगे के लोकेशन को भी जान पाओगे। आप रास्ता पूछ सकते हो कि अच्छा है, ख़राब है, सेफ है, अनसेफ है, कोई इश्यू है नहीं है। तो इस तरह से आप हर 100 किलोमीटर्स पे या 80-90 किलोमीटर्स पर ब्रेक लेंगे तो आपको ये अंदाज़ा आएगा कि आगे का रास्ता कैसा है, ठीक है। तो अब इसके अलावा हमेशा एक चीज़ याद रखें कि आप राइड करते हैं, आपका पिलियन अगर सो जाता है, या अगर आपकी पिलियन कोई फीमेल है और वो पीछे आपके शोल्डर पर रख के सो रही है, तो या सो रहा है, तो इतना याद रखिए कि एक बेल्ट सा आप टाई कर सकते हो,
तो वो भी आपको बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ कुछ लोगों को हेलमेट के अंदर रहने की ना आदत नहीं होती है, ज़्यादातर लोगों को नहीं होती है, जैसे हम हमारे गुजरात में ज़्यादातर लोगों को नहीं है, तो वो जब रात को हेलमेट पहनते हैं तो उनको नींद आने लगती है, इवन राइडिंग टाइम पे भी। तो उस टाइम पे आप ये चीज़ खास ध्यान रखें कि आपका पिलियन ज़रा भी इधर से उधर ना हो, अगर इधर से उधर हुआ तो आप भी इधर से उधर हो जाओ। कंट्रोलिंग अगर गया तो हाईवे है, ट्रक्स चलते हैं, आप जानते हो कुछ भी हो सकता है। तो बस इतना ही था, यही शेयर करना था, और वीडियोस आते रहेंगे इस संदर्भ में। अभी मैं नेक्स्ट मेरे हीरो इम्पल्स के ऊपर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लाने वाला हूँ, तो बने रहिए चैनल पे। और मेरी रॉयल एनफील्ड के ऊपर भी कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, जैसे मेरा नेक्स्ट राइड प्लान उत्तराखंड है, तो उसके बारे में भी मैं काफ़ी चीज़ें आपको शेयर करूँगा। तो तब तक बने रहे वीडियो पे। दिस इज रूपेश शाह, जय हिंद, जय भारत।